विद्वानों को, बहुजन समाज में क्रांति करने वाले जितने बुद्धिजीवी वर्ग से लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग जिनको लाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोग, ऐसे सभी महिलाएं और पुरुष हमारे आज सामने, हम लोग विचारधाराओं को लाने का आपके सामने प्रयास कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं शकुन बोध जी। शकुन बोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएम न्यूज में। बहुत बहुत साधुवाद सर। आपसे जो आजकल देखा जा रहा है, जो बहुजन महिलाएं हैं, बहुजन महिलाएं बहुत ज्यादा क्रांति करने का काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन महिलाओं को क्रांति करने से रोका जाता है या कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतें आती हैं। तो मेरा आज से आज आज आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो बहुजन महिलाएं क्रांति कर सकती हैं, जो बहुजन महिलाएं किस क्रांति कर सकती हैं, वो किस तरह उन बहुजन महिलाओं को बहुजन समाज में जाकर क्रांति करनी चाहिए, इस विषय पर आप अपने विचार रखें। जी सर, पहले तो आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, जी लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले सभी को गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। साथ में प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, और एसएम न्यूज चैनल का और सामने सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जी तो मैं शकुन बोध गाजियाबाद से, मुझसे सवाल किया गया कि क्या बहुजन महिलाएं बहुजन आंदोलन में कर सकती हैं एक नई क्रांति? जी तो जी ये आपका सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि जितने भी बहुजन आंदोलन चल रहे हैं, उनमें जब से आपने देखा होगा कि जब से महिलाएं सामने आई, बहुजन आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके पीछे मैं कहूंगी कि इसके पीछे सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का हाथ है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी से पहले की अगर मैं बात करूं तो जी महिलाओं को ना पढ़ने दिया जाता था, ना आगे आने दिया जाता था। उनको एक दबाकर और एक चार दीवारी में उनको रखा जाता था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी काबिलियत को जाना, उनकी जो पीड़ा, जो दर्द उनको मिल रहा था वो उन्होंने जाना, और तब उन्होंने, बाबा साहब ने अपने हिंदू कोड बिल और संविधान के माध्यम से उनको हर चीज में अधिकार दिलाया, यानी कि वो आर्थिक उन्नति अपनी कर सकती हैं, जैसे जॉब कर सकती हैं, अब उनको शिक्षा में अधिकार दिलाया, राजनीति में उनको अधिकार दिलाया। और आज अगर मैं बात करती हूँ कि आज महिलाएं बाबा साहब के रहमो करम से, उनकी बदौलत आज महिलाएं चांद तक पहुंच गई, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम आज से 100 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, या 100 साल भी छोड़ दीजिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 29 अगस्त 1932 को गोलमेज सम्मेलन से जब हमको अधिकार दिलाए, यानी कि आगे बढ़ने का, सार्वजनिक सड़कों पे चलने का, पढ़ने का, लिखने का, ये जो हमको राजनीति में आने का जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको गोलमेज सम्मेलन से जो दिलाए, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा लोग मतलब इस प्रगति में आगे बढ़ने लगे। जी लेकिन पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो आज से केवल 50 साल तक की अगर हम बात करते हैं, इतिहास में जाएं 50 साल पहले की अगर हम बात करें, तो ये यहाँ की स्थिति कैसी थी, महिलाओं को कैसे चार दीवारी में रखा जाता था। बहुत लंबे समय की मैं बात नहीं कर रही, केवल 50 साल की बात कर रही हूँ, 50 साल पहले की। और आज की स्थिति देख लीजिए कि अगर मैं राजनीति में बात करती हूँ तो बहन मायावती जी का नाम आता है, और अगर आईएएस डॉक्टर पीसीएस की बात करती हूँ तो टीना डाबी जैसी बहुत सारी प्रतिभाएं आगे आई और बहुत उन्होंने तरक्की की। और अगर मैं स्पेस की बात करती हूँ तो कल्पना चावला जी। तो इस तरीके से जो महिलाएं चांद तक पहुंच गई, ये बाबा साहब के रहमो करम से पहुंच गई। और अभी अगर मैं बात करती हूँ महिलाओं के बहुजन आंदोलन में नई क्रांति की,
तो आप देखिए कि जब से बाबा साहब के मिशन मूवमेंट से ये जो भारत की बहुजन महिलाएं जुड़ी हैं, आप देख लीजिए एक नई क्रांति, बाबा साहब के आंदोलन ने एक नई क्रांति पकड़ ली, क्योंकि वो जानती हैं एक्चुअली होता क्या है कि माता ही बच्चों के भविष्य की निर्माता होती है, ये 100% बिल्कुल सही है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी यही महसूस किया, और ज्योतिबा फूले जी ने भी यही महसूस किया, और माता सावित्री बाई फूले जी ने उस पर काम किया। तो इस तरीके से उन्होंने जाना कि अगर इस भारत को कोई सही दिशा दे सकता है, सही गाइड कर सकता है, तो वो केवल महिलाएं कर सकती है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके का वो माहौल अपने घर में अपनाती हैं, ठीक वैसा ही संस्कार उनके बच्चों में जाते हैं, जी बिल्कुल और वही बच्चे समाज बनता है, और उसी समाज से देश बनता है। तो आज अगर मैं बात करती हूं कि हमारे जो समाज की जो महिलाएं हैं, मैं नहीं जानती कि कितनी परसेंट महिला लगी हुई है, लेकिन 100% उतनी तो नहीं है जितनी आज भी अंधविश्वास में फंसी हुई है। यानी कि अभी थोड़ी सी महिलाएं अंधविश्वास से बाहर निकली हैं, और आप देख लीजिए कि कितना आंदोलन कितना आगे बढ़ गया, कितने संस्कार लोगों में आ गए, बहुत सारी महिलाओं का मतलब आगे बढ़ाने का मुझे भी लगता है कि जिस दिन महिलाएं आ गई, क्योंकि इस देश की बागडोर जो है वो महिलाओं के हाथ में है, लेकिन उनके साथ जाति क्या हुई कि उनको पीछे रखा गया, उनको कभी आगे नहीं आने दिया गया, क्योंकि ये जो देश था ये पुरुष प्रधान रहा है, तो उसने कभी महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही आए जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, और आज महिलाएं हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। आप किसी भी क्षेत्र को आप उठाकर देख लीजिए, चाहे तो वो बिजनेस का हो, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो अच्छे अच्छे एजुकेशन का हो, आईएएस हो, डॉक्टर हो, पीसीएस हो, इस तरीके से जितने भी क्षेत्र हैं, और उनमें एक खासियत होती है। अब जी अगर हम घर की बात करते हैं, घर की बात करते हैं, तो आपने कभी भी महिलाओं को गलत चीजों में पैसा लगाते हुए नहीं देखा होगा। आप जी देख लीजिए कि अगर उनके पास थोड़ा सा भी पैसा होता है, तो वो अपने बच्चों के फ्यूचर में, अपने घर को सजाने संवारने में, या अपने घर की जो जरूरत की जो चीजें हैं उनको करने में लगाते हैं। 90% लोग जो फीमेल होते हैं, आपने देख लीजिए कि अगर उनके पास पैसा है, तो मान लिया अगर वो नशा भी नहीं कर रहे किसी वजह से, तो वो दूसरी चीजों में अपना पैसा खराब करते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन घर की महिलाएं कभी भी हर चीज का उनके पास मैनेजमेंट होता है। अगर वो आंदोलन में भी उतरती हैं, तो वहां पर भी उनका एक मैनेजमेंट है, वो कभी भी बिना मैनेजमेंट के कोई काम नहीं करती, क्योंकि उनको अच्छे से आता है कि हमको किस टाइम पे क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। मैं मानती हूं कि महिलाओं को जल्दी से समझ में चीजें नहीं आती, क्योंकि वो घर के कामों में, घर की चीजों में उलझी रहती हैं, घर की परेशानियों में, लेकिन जिस दिन भी उनके समझ में आती है, वो नई क्रांति की लहर बन के और एक चिंगारी बन जाती हैं। तो मैं शकुन बहुत तो ये कहना चाहती हूं कि मैं महिलाओं को आरी बनाकर छोड़ूंगी। आरी मतलब नारी से आरी, आरी का मतलब होता है कि जिसने अपनी जो बेड़ियां हैं, बेड़ी भी कैसी, अंधविश्वास की, पाखंडवाद की, और उनके शोषण की, मतलब उन बेड़ियों को काट कर नारी से आरी बनेंगी। और ये काम मैं कर रही हूं, क्योंकि हमको पता है कि इस देश का अगर भला होगा, तो वो तथागत बुद्ध के विचारों से होगा, बाबा साहब के विचारों से होगा। हम जैसे संस्कार अपने बच्चों को देंगे, वैसे ही बच्चे हमारे बनेंगे, क्योंकि घर के माहौल से ही बनता है समाज, और समाज से ही बनता है देश, जैसे कि मैंने आपको बोला। जी अभी आप एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि अभी शाहीन बाग में जो महिलाएं जो आंदोलन के लिए जो उतरी थी, उनकी गूंज ना केवल भारत में बल्कि पूरे संसार के कोने कोने तक उनकी गूंज पहुंच गई, जी क्योंकि महिलाओं में बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। वो जिस दिन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है ना, तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाता, ये बिल्कुल 100% सही है। तो शाहीन बाग का जो आंदोलन था,
उस आंदोलन को एक नई दिशा मिली महिलाओं से। तो मैं जो अपने जो हमारे जो देश के जो लोग हैं जिन्होंने ये सोचा हुआ है कि महिलाएं सिर्फ घर में रहनी चाहिए, उनको सिर्फ घर के काम करने चाहिए, तो उनको ये मेंटेलिटी बदलनी होगी, उनको ये सोच अपनी बदलनी होगी और महिलाओं को बाहर उनको निकालना होगा, उनको आजादी देनी होगी। उनकी जो बाउंडेशन उन्होंने लोगों ने जो उनके ऊपर लगाई हुई है, बहन बेटियों के ऊपर जो बाउंडेशंस लगाई हुई है, आज अगर रेप होता है, मैं आज देखिए कितने केसेस रेप के होते हैं, कितने महिलाओं के शोषण के होते हैं, कितने पति उनको शराब पीकर मार रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको दबाया गया, उनको ज्ञान से दूर रखा गया, उनको उनके ऊपर हजारों बाउंडेशंस लगाई गई। तो जिस दिन भी वो बाउंडेशंस हट जाएंगे, जिस दिन भी वो बंधन उनके हट जाएंगे, वो देश में एक नई क्रांति को रूप देगी और वो देश एक सभ्य देश होगा और वो देश एक तथागत बुद्ध का करुणा मैत्री भाईचारा इंसानियत वाला देश होगा। तो बहुजन महिला 100% ये कोशिश कर रही हैं और ऐसी बहुत सारी महिलाएं आ गई हैं, बाहर निकल गई हैं, आंदोलन में कूद पड़ी हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए ये बहुजन आंदोलन रुकने वाला नहीं। यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो मिशन है कि भारत को बौद्ध में बनाना और वो बौद्ध में हम महिला ही बनाएंगी, आप देख लीजिएगा। और ऐसी बहुत सारी क्रांतिकारी महिलाएं आ चुकी हैं। और बात करें अगर हम शोषण की, तो आप मुझे बताइए कि क्या रावण वो राखी रावण का, शकुन बौद्ध का, पूनम का क्या कोई शोषण कर सकता है? जी नहीं कर सकता। बताएं प्रदीप जी, आपसे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वही चीज मैं कह रही हूँ कि अगर अपने आप को आप स्ट्रांग बना लोगे, अपने ज्ञान को बढ़ा लोगे, अपने ज्ञान और बुद्धि से विवेक से अगर काम लोगे, तो कोई भी आपका शोषण नहीं कर सकता। और ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हम महिलाओं की होनी चाहिए, हमको किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, किसी के ऊपर हमको डिपेंड नहीं होना चाहिए कि पत्नी है तो पति के ऊपर होगी, माँ है तो बेटे के ऊपर होगी। नहीं, हमको अपनी पहचान खुद बनानी होगी, अपने आप को आगे लेकर आना होगा और अपनी रक्षा भी हमको खुद करनी होगी और बहुजन आंदोलन को एक नई दिशा हम लोगों को ही देनी होगी। जी जी, अभी आपने बताया, कुछ महिलाओं के नाम भी बताए और आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो, क्योंकि आपका कोई शोषण इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आपके अंदर बहुजन महापुरुषों की इस समय क्रांति है, बहुजन महापुरुषों की आपके अंदर विचारधाराएं जो हैं वो भरी पड़ी हैं, इसलिए आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। तो लेकिन ऐसी कितनी महिलाएं, क्योंकि गांव देहात में जो निरक्षर हैं, जो अभी गांव देहात में रह रही हैं, वहां तक वो अभी अंधविश्वास पाखंडवाद से भी नहीं निकल पाई हैं, तो ऐसी महिलाएं कैसे नई क्रांति लाएंगी, किस तरह से वो क्रांति ला सकती हैं ऐसी महिलाएं? जी जी बिल्कुल सही, क्योंकि जो हम जो महिलाएं जो निकली हैं, क्योंकि देखिए जिसने भी अपने आप को और अपने बच्चों को महापुरुषों की विचारधारा से नहीं तराशा, तो उनका जीवन 101% बनेगा तमाशा, और तमाशा ही बन रहा है। आज लोग जो है इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर है, इतने अच्छे बिजनेसमैन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी मानसिक गुलामी को काट नहीं पाए। लेकिन हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है और कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लीडर बनाएंगे। भले ही गांव की महिलाएं अभी नहीं जानती, लेकिन हम महापुरुषों की विचारधारा उन तक पहुंचाएंगे, ये हम लोगों ने एक प्रण लिया है। और ऐसी ही बहुत सारी महिलाएं देश में, मैं बस सिर्फ उन लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि चाहे जो कोई भी महिला क्रांतिकारी है, अगर वो एक क्षेत्र में है तो वो सिर्फ अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी ले ले, उसको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि हम फाइनेंशियली वीक है, अभी हमारा समाज जो है फाइनेंशियली वीक है। तो बस इतना करें, मैं सभी उन महिलाओं से, उन क्रांतिकारी महिलाओं से या जो बहुजन आंदोलन में ऑलरेडी है, उन महिलाओं से मैं अपील करना चाहती हूँ आपके SM न्यूज चैनल के माध्यम से कि आप जिस क्षेत्र में आप रहती हैं उसके आसपास के गांव को आप कवर करें।
जी महापुरुषों की विचारधारा को आप उन तक पहुंचाएं। और रही बात टाइम की कि बहुत सारी महिलाओं के पास ये होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, घर के कामों से हमको फुर्सत नहीं मिलती, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज है, क्योंकि ये बहाने हैं। हम हर हालत में टाइम निकाल लेते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैं अपने ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट उसको करती हूं, तो मैं ना केवल जॉब करती हूं बल्कि समाज में भी आप देख रहे हैं कि मेरा योगदान थोड़ा बहुत रहता ही है, और परिवार को भी अपने को पूरा मैं संभालती हूं। तो मैं अगर तीनों चीजों को संभालती हूं तो क्या आप नहीं संभाल सकती 100%? और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अपना यूजफुल टाइम नहीं देना, अपना वेस्ट टाइम, जो आपका दोपहर का जो वेस्ट टाइम होता है, बस उसको इन्वेस्ट करना है। और जब उसको इन्वेस्ट करना है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन आपको सम्मान और स्वाभिमान और ये सब चीज आपको मिलेगी। तो उन सारी क्रांतिकारी महिलाओं से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि शायद मैं आपके वहां ना आ पाऊं और शायद आप मेरे यहाँ ना आ पाओ, तो अपने अपने क्षेत्र की बस जिम्मेदारी उठा लीजिए, अपने आसपास के गांवों में जाकर महापुरुषों की विचारधारा को पहुंचा दीजिए, फिर देखिए कि आने वाले 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर ये भारत जो है बुद्धमय होगा। जी मैं ये आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि गाँव की महिलाएं हम तक नहीं आएंगी, लेकिन हमको गाँव की महिलाओं को जाकर और उनको महापुरुषों की विचारधारा देनी होगी। और महापुरुषों की विचारधारा जिसके घर में पहुंच गई, उसका विकास हो गया, वो हमेशा प्रगति प्रगति करेगा। जी जी आने वाले 5 सालों में अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ विकास कर सकते हैं, महिलाओं के द्वारा क्रांति हम फैला सकते हैं, क्योंकि ऐसे हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, ऐसे हर क्षेत्र में पुरुष हैं जो कहीं ना कहीं बहुजन विचारधारा पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपने उनको एक संदेश दिया कि वो अपने अपने क्षेत्रों की जिम्मेदारी ले लें, और जो अपना वेस्ट टाइम है, दोपहर का टाइम है, उसे ही यूज करें, या जो संगठन वाले लोग हैं वो अपनी नौकरी के बाद या अपने शाम के 5 बजे के बाद भी वो क्षेत्रों में जा सकते हैं और जो बहुजन विचारधारा है उसको वहां तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आपकी पूरी बातों से ये निष्कर्ष निकलता है जो माननीय कांशीराम जी ने कहा था कि राजनीति चले ना चले, लेकिन सामाजिक आंदोलन की गति धीमी नहीं होनी चाहिए। यदि आपका सामाजिक आंदोलन है, यदि आपकी संस्कृति कुछ बचेगी, तो ही आप राजनीति हासिल कर पाएंगे। तो शकुन बौद्ध जी ने आपको अपने विचारों के माध्यम से अवगत कराया कि उनकी तरह आप काम करिए। मैं एक अपील और मैं करना चाहती हूँ, जितने भी, क्योंकि देखिए महिलाओं से ज्यादा पुरुष बहुजन आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं पहले से ही, लेकिन मैं अपने उन्हीं सभी भाइयों से, पिता समान, बुजुर्गों से, सभी से जो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट का हिस्सा है, जिन्होंने अपनी अपना समय, अपने तन मन धन से जो लगे हुए हैं, उन सभी का आभार प्रकट करती हूँ। लेकिन साथ में उन्हीं सभी जो हमारे जो बहुजन आंदोलन में जो लगे हुए भाई, मेरे पिता समान, उन सभी से मेरी एक अपील है कि जिस दिन भी आप महिलाओं को आगे लेकर आएंगे, उस दिन ये मूवमेंट 100% दुगनी तेजी से बढ़ेगा। ये आप खुद भी जानते हैं उनकी काबिलियत को, क्योंकि वो जो काम करती हैं वो बिल्कुल दिल से करती हैं और निस्वार्थ भाव से उनके मन में जो रहता है, और वो हमेशा ऐसे ही काम करती हैं। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए आप सभी भाइयों की, सबकी जरूरत है, और अपनी फैमिली से तो निकालिए ही, साथ में और महिलाओं को, और बहनों को, और माताओं को, और सारी जितनी भी हमारे बहुजन समाज में जो महिलाएं, उन सबको जोड़ने का काम करें। ये मेरी आपसे अपील है, क्योंकि आप हमारे पिलर होंगे, अगर आप हमारे पिलर बन जाएंगे तो बिल्डिंग बहुत बहुत मजबूत होगी। तो आप लोगों से उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि बाबा साहब की उस विचारधारा को हमको नहीं भूलना है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि जिस समाज की महिलाएं तरक्की करेंगी, वही समाज आगे बढ़ सकता है, वही समाज तरक्की करता है। क्योंकि आज आप देख लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल, कि अगर एक कबाड़ी है और वो पॉश इलाके में जाता है और वहां की महिलाओं की स्थिति
को देखता है अच्छे अच्छे कपड़े अच्छे अच्छे घर, तो उनको देखकर वो आवाज लगाता है कि इंग्लिश और हिंदी के अखबार मैगजीन बेच लो, ऐसे बोलता है। लेकिन वही कबाड़ी अगर बहु ऐसे हमारे समाज में आ जाए तो उनकी महिलाओं की स्थिति को देखकर वही कबाड़ी की टोन बदल जाती है और वो आवाज लगाता है कि अंग्रेजी और हिंदी के अधे पौवे बेच लो। तो हम लोगों को इन चीजों से बाहर निकलना होगा। हमारी स्थिति सिर्फ इसलिए खराब है क्योंकि हमारा समाज नशे में है जी। और नशा एक बहुत बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि नशे पे हम किस दिन फिर से बात करेंगे जी। तो आप नशा क्योंकि बहुत खतरनाक है और हम इस पे किसी दिन फिर इस पे बात करेंगे और आपने इस चीज को। लेकिन आपने अभी अपने विचारों के माध्यम से कहा, पुरुषों से रिक्वेस्ट की जो बहुजन विचारधारा में काम कर रहे हैं जी, उनको आपने मैंने निवेदन किया है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना साथ दें। आपके साथ की हमको जरूरत है और हमारे साथ की आपको जरूरत है, तो हमारा साथ दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी और SM News का बहुत बहुत साधुवाद करूंगी।